और चीटिंग फुल चीटिंग की है देखिए टीम फिक्स और दोनों टीमों के एथलीट अपने कैप्टनों के पीछे खड़े हुए हैं भाई पूरा मैं दिखा देता हूँ जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम भाई अपन युद्ध लड़ने नहीं जा रहे हैं चला शानदार जोरदार ताली भाई ये टी-शर्ट है जहाँ तक लगता है चालू हो चुकी है दोनों ही एथलीट अपने अपने टीम की स्ट्रेटजी बनाते हुए तो जय श्री कृष्ण भाइयों आज है सैटरडे और हर बार की तरह इस बार भी जेवाई जिम्नेशियम में सैटरडे को आम रेसलिंग चैंपियनशिप होने वाली है मतलब एक छोटा सा इवेंट होता है हर सैटरडे होता है इस सैटरडे भी होगा और इस सैटरडे थोड़ा सा यूनिक होने वाला है क्योंकि इसमें ऑडियंस सपोर्ट मतलब अपनी टीम का सपोर्ट मिलने वाला है क्योंकि इस बार हम दो टीमों में डिवाइड करने वाले हैं लड़कों को जिससे लड़कों को फुल सपोर्ट मिलेगा तो दो कैप्टन्स भी होंगे दो टीमों के तो हमारा पहला कैप्टन होने वाला है अनुराग सिंह सिकरवार और दूसरा कैप्टन होने वाला है दिवाकर सिंह जाधव भाई ये दो कैप्टन होंगे अभी हम टीम को भी डिवाइड कर देंगे बाद चैंपियनशिप स्टार्ट हो जाएगी भाई और जो भी विनर होगा उसको मेरी तरफ से कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलने वाला है थैंक यू मेरे साथ खड़े हुए हैं और दोनों कैप्टन से हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे तो भाई क्या कहना है टीम को आसानी से देंगे बहुत आसानी बहुत ही भाई वो लग रहा है भाई थोड़ी देर रुको इंतजार करो देखते चलो क्या होता है भाई दूसरी टीम के कैप्टन कह रहे हैं कि थोड़ा सा इंतजार करो देखते बाकी हम आपसे पूछने वाले थे भाई आप क्या कहना चाहोगे भाई आप प्लेयर से मैच नहीं होने वाला है पूरा टीम वाइज होने वाला है क्योंकि आपको टीम को भी जीतना पड़ेगा इस बार के मैच पॉइंट्स से चलेंगे भाई और जिस भी टीम के पॉइंट ज्यादा होंगे वो टीम होने वाली है विनर और उसको हर बार की तरह इस बार भी बहुत तगड़ा रिवॉर्ड मिलेगा थैंक यू तो भाई हमारी टीम डिवाइड होने वाली है दोनों मैंने खिलाड़ी फिक्सर बना दिए हैं अब एक बार इस एथलीट को चूज़ करना है और एक बार इस कैप्टन को चूज़ करना है मतलब दोनों कैप्टनों के पास मौका रहेगा अपने एथलीट को लेने का ठीक है हमने बराबर के लेवल के एथलीट बनाए जिससे किसी भी टीम कमज़ोर ना हो किसी की भी तगड़ी ना हो तो अब पहला मौका मिलने वाला है दिमाग का जादू वो किसको लेना चाहोगे भाई लाइन से पहले नंबर से लो भाई पहले नंबर से चेंज कर लो अपनी पोजीशन बस पोजीशन चेंज कर लो ठीक है भाई अब तुम्हारा किसको लोगे नितिन चेंज कर लो फटाफट बताओ भाई इसको लोगे दोनों टीमों के एथलीट अपने कैप्टनों के पीछे खड़े हुए हैं भाई पूरा मैं दिखा देता हूँ भाई टीम क्या कहना चाहोगे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम भाई अपन युद्ध लड़ने नहीं जा रहे हैं मीटिंग चालू हो चुकी है दोनों ही एथलीट अपनी अपनी टीम की स्ट्रेटजी बनाते हुए बढ़िया आराम से छोटा देखिए आराम से पाउल के पाउल के पाउल
बहुत बढ़िया भाई। मैं मैच के थोड़े से नियम बता दूं, जी मैच चल रहे हैं पॉइंट वाइज, मतलब बेस्ट ऑफ थ्री होना है। अगर थ्री मैच कंटिन्यू एथलीट जीतता है तो उसको थ्री तो विनिंग के मिलेंगे और टू पॉइंट बोनस मिलेंगे, मतलब टोटल पांच पॉइंट मिलेंगे। अगर आप एक मैच लूज हो जाओगे तो दो ही पॉइंट मिलेंगे, एक पॉइंट सामने वाली टीम को मिल जाएगा और बोनस पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे। तो भाई दो मैच जीत चुका है, मतलब उसके दो पॉइंट कन्फर्म हो चुके हैं। अगर तीसरा मैच जीतता है तो टोटल पाँच पॉइंट मिल जाएंगे भाई, फाइनल मैच हम कराने जा रहे हैं। Oh!
रोहित अनुराग शिखरवा शानदार जोरदार भाई सर ये कुछ कहना चाह रहे हैं, इनकी थोड़ा ध्यान दे लीजिए, हमारे प्लेयर थोड़े कमजोर थे तो उन्होंने हरा दिया और चीटिंग फुल चीटिंग की है इनने, देखिए हारने के बाद ना कुछ ना कुछ प्लेयर एक्सक्यूज जरूर देता है, एक्सक्यूज कुछ नहीं होता, अगली बार जेलो एक्सक्यूज देंगे, हमारे प्लेयर अभी नए हैं, अगले मैच में देखेंगे क्या होता है, जीत के जाएंगे अगला मैच। सामने वाली टीम का कहना है कि आप लोगों ने बेईमानी से इस चैंपियनशिप कैसे सही भाई बताया ना कैसे, वो आप थोड़ा क्या कहना चाहोगे भाई, बताइए सर उनको दिखा दो नहीं शकल, कहें दिवाकर भाई ने कहा है बहुत कॉन्फिडेंस था दिवाकर भाई को, हमारे को हम जीत देंगे, अपनी शकल दिखा दो, कैप्टन तो जीत गया था टीम हार गई, हारने का शकल देखो भाई, टीम के प्लेयर कुछ गड़बड़ कर गए, कैप्टन तो जीत गया, हमारी टीम जरूर, हर कोई ये कहता है भाई कैप्टन हारा, चीटिंग भी की थी